बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने आज होटल पलास में एक्सपो की मंत्री ओम प्रकाश सचकलेजा से फीता एवं दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम की शुरुआत की और सूक्ष्म और लघु मंत्री सकलेजा ने स्टॉलों का जायजा लिया। वहीं उन्होंने बैंक की टीम ग्राहकों को शुभकामनाएं देते हुए गणेश जी की प्रार्थना करती हूँ। उन्होंने कहा कि आप ही बड़े साथ हैं और भारतीय उद्योग और ज्यादा से ज्यादा लोगों के घर तक पहुंचे और लोगों को सुविधा मिले, विशेषकर उन सहायक समूह को जो एक फार्मूला बना ले कि जिस किस प्रोजेक्ट से फायदा होना है। ऐसे छोटे छोटे गांवों को भी आप तेजी से लोन दें और एक स्कीम बन के ताकि किसी का अलग से खर्चा ना हो और सीमित समय में उसका काम भी हो जाए। थोड़ा सा ब्रीफ में इसको का मकसद से बताना चाहूंगा मंत्री जी को और बाकी जो मंत्रीज हैं जो मंच पर बैठे हैं। बेसिकली हमने अभी कोविड में जो है ये चैलेंजिंग दौर था और घर लोग जो है वो वेबेक्स के जरिए ही काम कर रहे थे तो वो फील आ नहीं रहा था जो फील एक्चुअली एक बैंकर को या बाकी कस्टमर को आना चाहिए था। तो हमने सोचा कि चलिए श्री गणेश करते हैं यहीं से। और गणेश जी जो है महाराष्ट्र के बहुत ही माने हर चीज का काम गणेश जी से ही होता है शुभारंभ। तो हमने कहा कि चलो बैंक ऑफ महाराष्ट्र इसका शुभारंभ करेगा और ये वर्चुअल से एक्चुअल के दौर में हमने लाने की कोशिश करी और यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म दिया जिसपे जो एमएसएमई जो कि अभी थ्रस्ट एरिया है खास करके कोविड-19 के जो चैलेंजेस है उसमें सबसे ज्यादा अफेक्टेड इंडस्ट्री एमएसएमई रही है और साथ ही साथ रिटेल के लिए भी हमने रखने का उद्देश्य ये था कि रिटेल भी एक अलाइड इंडस्ट्री है और काफी लोगों को रोजगार प्रदान करती है और ये अवसर ऐसा है जो कॉमन मैन के लिए वरदान साबित हो सकता है। तो वन स्टॉप शॉप की तरह हमने ये कोशिश करी है। उसके साथ ही साथ हमने जो है एमएसएमई की जब बात करी है तो महिला उद्यमियां हैं, महिला उद्यमियों को हमने जो है अलग से प्रोत्साहन देने के लिए उनके स्टॉल यहाँ पे लगाए हैं और उनको भी प्रोत्साहन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो विशेषकर वो बैंक ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है जो छोटे और मध्यम लोगों को ज्यादा लार्ज फंडिंग देने वाले बहुत से बड़े बैंक है, काफी बड़ी फंडिंग होती है, रिस्क भी बड़ी है। मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है कि जब माइक्रो फाइनेंस का पहली बार काम शुरू किया था श्रीमंत्र उसमें किसी एक व्यक्ति ने और उसका रिकवरी रेशो 100% था। उसके दुनिया के कई आवाज मिले थे सर श्रीलंका या बांग्लादेश से शुरू हुआ और वो जो चीज है और उसके बाद धीरे धीरे सभी राज्य की सरकारों ने स्वयं सहायता समूह या माइक्रो फाइनेंस पे काफी फोकस शुरू हुआ और विशेषकर वुमेन फाइनेंसिंग में कभी भी मेरा ख्याल है मेरे पास जितनी आई है जानकारी उसमें कभी भी फेलियर रेशियो 1% से ऊपर कहीं नहीं गया। लेकिन साथ ही समाज के बैलेंस विकास के लिए वुमेन एंटरप्रेनर और उनके हाथ में उनकी जरूरत के हिसाब से काम होगा बहुत।